हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को बनाने जा रही हूँ एक सिंपल सा रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चों के फेवरेट है, वो है पास्ता। मैं पास्ता मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, इसको रेड पास्ता बोलते हैं। मैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि अगर आपको व्हाइट पास्ता का भी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो शुरू होने से पहले, मैं अपना रेसिपी शुरू करने से पहले, हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पास्ता को बॉईल कर लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मैं गर्म पानी में पास्ता को डाल दिया था और ऐसे ही सॉफ्ट होने तक हमें उसको बॉईल करना है, फिर इसको छान लेंगे। तो चलिए फिर अब इसका इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, 10 से 11 कलियाँ लहसुन लिया है, काली मिर्च लिया है और गाजर घिस लिया है। आप चाहो तो और सब्जी भी ले सकते हो। बटर लिया है और मैंने यहाँ पर अमूल का जो प्रोसेस चीज़ है वो लिया है। और यहाँ पर मैंने पास्ता सॉस लिया है। आप चाहो तो प्लेन टमाटर जो है उसको भी आप ग्राइंडर में ग्राइंडिंग करके यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं रहता तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ पर मिक्स हर्ब भी ले लिया है। मिक्स हर्ब हर डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब कढ़ाई चढ़ा लेते हैं हम गैस पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा के मैंने यहाँ पर 2 स्पून बटर डाल दिया है गरम करने के लिए। बटर को हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं, उसको बस ऐसे ही थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बटर ऐसे रहेगा तब तक हम फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें हम जो लहसुन है और प्याज है वो सब डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा कच्चा भुनेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं। फिर हम इसमें गाजर डाल देंगे, गाजर को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उसको भी थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रखेंगे। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियाँ, ब्रोकली, बीन्स ये भी डाल सकते हो। मेरे पास कैरेट था तो मैंने वही डाला है। आप पास्ता सॉस भी डाल देंगे, इसमें थोड़ा पानी लेके भी ऐड करेंगे और वो भी डाल देंगे, क्योंकि पास्ता डालेंगे तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी रखना चाहिए। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे जो हमने बॉईल करके छान के रखा था। तो थोड़ा सा हिलाएंगे हम इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा पास्ता सूख रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है। और हम इसमें अब चीज कद्दूकस करके डालेंगे। आप जितना ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा, तो आप अच्छे से चीज़ डालिएगा ज़रूर, कंजूसी मत करिएगा। देखिए, अब हम चीज़ मेल्ट होने तक थोड़ा सा हम चलाएंगे इसको। देखिए, हमारा चीज़ अब मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मिक्स हर्ब डाल देंगे। लास्ट में डालेंगे तो इसका खुशबू अच्छे से रहेगा। और थोड़ा सा हम मिक्स हर्ब ऊपर से भी डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा पास्ता अब रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जरूर इसको घर पे बनाइए, बहुत टेस्टी होता है खाने में। अब और सिंपल भी है, बहुत इजीली ये बन जाता है और आप स्कूल के टिफिन में भी डाल सकते हैं। मुझे कमेंट जरूर करिए रेसिपी कैसे लगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सब रेसिपी आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और मेरे ब्लॉग को ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।